तो हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पिक्चर आर्ट से यूट्यूब लोगो कैसे बनाए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पिक्चर आर्ट डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ अर्जुन, आप देख रहे हैं टेक विजन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर आर्ट में जाना है। पिक्चर आर्ट में जाके देखिए, मैं पिक्चर आर्ट में आ चुका हूँ। आपको एक प्लस का बटन है, इस पर प्लस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैं ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। देखिए हम लोग आ चुके हैं। आप क्या करना है, आपको टेक्स्ट में जाना है। आप अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं देखिए, जैसे मैं मेरा चैनल का नाम में दे रहा हूँ स्मार्ट विजन। देखिए तो सबसे पहले आपको एक यस ले लेना है, इसको ओके ओके कर देना है। ओके कर दिया। आपको क्या करना है, कलर है ना, कलर में जाना है। कलर में इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करके इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर से देखिए फ्रंट चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आपको, मैंने ये फ्रंट सिलेक्ट कर लिया है, ये सिलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे करके मिला के रख लीजिए। उसके बाद ये प्लस का बटन है, इसका प्लस का बटन में क्लिक करके फिर से टेक्स्ट में जाना है। और इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, भी लिख देना है, भी। अब इधर इसको ओके कर देते हैं, भी लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको कलर कलर में जाना है, फिर इसको हम रेड कर देते हैं। रेड करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, ऐसे करके मिला के रख लीजिए आप। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, प्लस में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। आप इधर अपना चैनल का नाम लिख दीजिए जो आपने लिखा है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट विजन। इधर से आपको ओके कर देना है। देखिए इसको आपको नीचे लाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कलर करके इसको ब्लैक में कर दीजिए, नहीं तो व्हाइट है ना हमारा बैकग्राउंड, वो नहीं दिख रहा है। इधर नीचे लेके आ जाए, ऐसे नीचे लाइए। इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करके इधर हम इसको ऐसे करके रख देना है। इसको क्या करना है, इधर से आप इसको सेव कर लेना है। सेव करके इसको नीचे का इसका स्क्रॉल डाउन करके देखिए, आपको क्या है, ड्रॉ का ऑप्शन है ना, ड्रॉ में आना है। ड्रॉ में जाएंगे, इसके बाद आपको ये सेव का ऑप्शन है ना, ये वाला, उसमें जाना है। और इसको ये वाला सिलेक्ट हुआ है, देखिए ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। और इसको स्टॉक में है ना, इसको याद करके फिल में कर दीजिए। फिल में करके इसको ओके कर देना है। और इसके बाद कलर में जाके, हमारा बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है ना, इसको हम व्हाइट ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे। देखिए हो गया है। अब इधर से हमको ड्रॉ करना है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके हम ड्रॉ कर लिया। आप इसको मिला लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके। देखिए ऐसे करके मिला लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको इधर से सेव कर देना है। सेव करके आपका फिर से ये नीचे का जो स्क्रॉल साइड करके आ जाए इधर, कट आउट का ऑप्शन दिख रहा है आप, इसमें क्लिक करना है। सेव का ऑप्शन है, सेव में जाना है। और इसके ये वाला ले लेना, आपको ये लेके इसको बड़ा सिलेक्ट कर लेना है हमारा, इसका जितना बड़ा है उतना बड़ा, क्योंकि YouTube चैनल का लोगो ऐसा ही रहता है। तो इसको ऐसे करके करके आपको सेव कर लेना है। देखिए हमारा सेव हो रहा है, देखिए हमारा ये ऐसे करके आ चुका है। तो आपको इधर से सेव कर लेना है, इसको इधर से सेव कर लेना है। सेव गैलरी में आपको सेव कर लेना है, इसको डन कर देते हैं। देखिए हमारा YouTube चैनल का लोगो बन चुका है। तो कितना सिंपल सा था। अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।